हेलो स्टूडेंट्स, आपने पार्ट टू में देखा कि दादी किशन भैया की शादी में किस प्रकार व्यस्त रहती थी। हमेशा देर से आने का अपना एक ही कारण बताती थी। हम आगे पढ़ेंगे कि दादी किस प्रकार स्नेह की मूर्ति थी और किस प्रकार वह अपनी ममता हम लेखक पर बताए रखती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र, वात्याचक्र में मीन्स होता है परिस्थितियाँ अलग अलग तरीके से जीवन में आती है, वो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है उसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यानी हमेशा वह उसे धोखा ही देने वाला मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। यानी दादाजी हमेशा उन्हें ऐसे कहते थे कि मैं पहले नहीं जाऊंगा, पहले मैं तुम्हारी मृत्यु देखूंगा, उसके बाद ही मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। लेकिन यहाँ पर दादा की मृत्यु पहले होने के कारण वह हमेशा झूठे ही हमेशा दादाजी को साबित करती थी। दादाजी मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। यानी दादाजी को तो उन्होंने झूठा ठहराया ही था, बाद और लोगों के बारे में वह बुरा सोचने लगी कि मुंह के सामने तो लोग या दोस्त जो भी होते हैं वो अच्छी बातें करते हैं और पीछे पीठ पीछे से बुरी बातें करते हैं। इसलिए उनकी स्थिति सोचने समझने की शक्ति जो थी और भी डावाडोल हो गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की थी वह घर की तो थी नहीं, यानी वह उनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी पिताजी ने कर्ज लेकर दादी माँ के दादाजी का श्राद्ध कर दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। यानी ठंडी ठंडी जो हवाएं आती थी, माँ का महीना था और बहुत ज़्यादा तेज ठंड थी, इसलिए ओस की जो बूंदें पड़ती है वह जो ठंड होती है, बर्फ़ जम जाती है, वह हड्डियों में सर्दी घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। यानी प्रेम युक्त जो उनकी आँखों में दिखाई आंसू दे रहे थे वो उन्होंने पहली बार ही देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो, दादी माँ ने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। यानी वह उन्हें अपने प्यार के कारण उस बात को भुलाना चाह रही थी कि वह संदूक के वहाँ क्या बैठकर क्या कर रही है, और उसे भुलाते हुए वह उसे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। यानी जो पहले उन्होंने कर्जा लिया था वो भी बाकी था और दूसरा कोई रुपया देने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी स्थिति वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती हुई आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी समस्या कब आती है या कब नहीं आती है, ये सारी बातें शुभ अशुभ की जो होती थी, आगा पीछा जो बातें होती थी, वह सारी बातें पहले ही सोच कर रखते थे और कुछ ना कुछ बना कर रखते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। यानी ऐसे लगा कि जैसे दादी माँ आज इनके जो दुख आए हैं उनको दूर करने वाली एक देवी दिखाई थी।
धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी जो उनके दिमाग में जो छाया बनी हुई थी वह छाया एकदम गायब हो गई। मैंने देखा दिन चढ़ आया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है, आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी अब उन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि किशन भैया ने उनको एक पत्र लिखा था लेखक को, कि अब दादी माँ नहीं रही, तो वह दादी माँ की पूरी बातों की यादें अपने मन में रख कर जब वह सारा सपना टूटता है, तब वह देखता है कि आज विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। बच्चों, यह मैंने पूरा पाठ आज कर दिया है। अब इसके पूरे पाठ के जो तीसरे आज वाले जो पार्ट थर्ड के शब्दार्थ है वो इस प्रकार है, और प्रश्न दो है, संसार दादी माँ को छल कपट से भरपूर क्यों लगता था? क्यों? क्योंकि वह संसार हमेशा उनके सामने अच्छी बातें करता था और पीछे से बुरी बातें करता था, या उनके लिए शुभ चिंतक बनकर नहीं रहता था। दादाजी ने उन्हें क्या धोखा दिया था? दादाजी ने उन्हें धोखा दिया था कि पहले मैं जाऊंगा और उसके बाद में तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन दादाजी की मृत्यु पहले हो गई और दादाजी जीवन में जिंदा रह गई, इसलिए दादाजी ने उन्हें धोखा दिया था। बच्चों, ये आज पाठ पूरा हो गया है। इसी पाठ के साथ ही आपको वर्कशीट दे दी जाएगी जो PDF के रूप में होगी। धन्यवाद।